I'm feeling it. Can you go? चार्ज नहीं हुआ ये लोगों को लग रहा होगा ये एक ही दिन की फुटेज ये चार दिन में यूज कर रहे हैं yes. क्यों क्योंकि मैंने यही पहना भाई भाई लोग ये नाइट सूट है वो इतना अच्छा है देखने में लग नहीं रहा नाइट सूट पता है वैसे लग रहा है कि कोई मतलब कुछ पहना अच्छा था इसके बाल भी कटाने होंगे कौन कौन काटेगा बाल लैम्बोर्गिनी और टैंक कहाँ से आ गए हाँ है ठंडे हाथ डाल रहा है अंदर ओए शैतान मैं देखो कीच भी आ गया है किचन में और मेरे से ना इसे इसमें शर्ट में हाथ डाल रहा है ठंडे ठंडे ये देखो भाई हिंदी पूरी समझ आती है इसको पूरी ऐसे नहीं करते नहीं ठंडे ठंडे हाथ नहीं लगाते पापा को पहले भी मैं अरे हाँ कल भाई कल का तो शूट करना ही भूल गए हम इतने बासड़ हो गई थी कल मैं बताता हूँ आपको भी क्या हुआ था लेट्स रिक्रिएट द सीन हम थिएटर पे पहुंच गए अब भाई लेट जल्दी चलो हाय दिस आर टिकट्स ओह सॉरी मैम नहीं स्कैन करने दो अच्छा ओह दिस वाज फॉर यस्टरडे वो हम लोगों ने एक दूसरे को लुक दिया टिकट ना फिर आपने ऐसे ज़ूम करके देखा ओह नो ओह फ्राइडे इतनी सारी अरेंजमेंट करी कि आर्यन के वकील जो छोड़ के आए सब कुछ किया थिएटर पहुंचे भाग भाग के शुक्र है लगी हुई थी हां फिल्म तो लगी हुई थी वापस जा रहे हम क्या वो कहते बट यू कैन बाय न्यू वंस तो हमने कहां से फिर आइसक्रीम वाले काउंटर से टिकट खरीदी मतलब वहाँ पे जितने काउंटर्स हैं किसी से भी आप टिकट ले सकते हो तो टिकट ली तो आइसक्रीम वाला वो कहता है वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम आल्सो वी सेड नो फिर थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि टिकट ले ली बेचारे से आइसक्रीम नहीं ली फिर हम अंदर गए हमने देखा फिल्म शुरू नहीं है वापस बाहर आए फिर आइसक्रीम ली फिर हम वापस गए तो फिल्म दो तीन मिनट के लिए निकल गई थी उसके बाद जब हम घर वापस जा रहे थे तब भी कुछ शूट नहीं किया क्योंकि दिव्या का मैं भी वो करा था फोटोशूट और वीडियो शूट तो व्लॉग नहीं बना पाया जब फिल्म के बाहर निकले और 11:30 बजे निकले ना बाहर 3.5 घंटे में 3.75 घंटे लग गए थे फिल्म काफी लंबी फिल्म थी 15 पे निकले हाँ काफी लंबी फिल्म थी लेकिन मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी फिल्म कुछ कुछ उसमें इश्यूज हैं बट उसको अगर आप एक फिल्म की तरह देखोगे एक आर्ट वर्क की तरह तो हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं हाँ एनिमल फिल्म की पहले बात कर देता हूँ ख़त्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी एक फिल्म बैकग्राउंड से क्योंकि मैं हूँ तो इस तरह की फिल्म की मेरी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है वायलेंस और वो सब उसमें जो दिखाया है और इस तरह की पहले आप फिल्म देख चुके जैसे वो जो जोकर फिल्म थी मतलब उस लेवल का वायलेंस है इसके अंदर उससे ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से एनीवे मैं कुछ और बता रहा था क्या बता रहा था मैम हाँ हम बेसिकली कीचू खाता है बिल्कुल ये ब्लैंड खाना तो हम मतलब बिल्कुल कोई मसाले नहीं होते कोई मिर्च नहीं होती हम जब बचपन में खाते थे खाना तो मेरे को मिर्च की टॉलरेंस नहीं थी मैं मिर्च नहीं खाता था लेकिन फ्लेवरफुल होना चाहिए खाना इसका वो भी इश्यू नहीं है इसको बस कोई भी चीज़ जैसे अगर ये ब्रेड खाएगा तो ब्रेड विदाउट बटर खाता है अगर ये कोई और चीज़ कोई भी चीज़ खाते ना उसमें कोई चीज़ लगाता नहीं है अंदर कोई मसाला कुछ नूडल्स बने तो सिर्फ थोड़े से नमक में और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर दैट्स इट तो हम ये सोच रहे थे कि जैसे हम क्योंकि इंडियन पेरेंट्स हैं तो हमें क्या लगता है हाय बच्चा पराठा खा ले हाय इसको ये क्यों नहीं खा रहा ये एग सैंडविच क्यों नहीं खा रहा ये वो क्यों नहीं खा रहा एग सैंडविच तो ये खा लेता है क्या बट हम अपने हिसाब से क्या चाहते हैं कि हाय पराठा क्यों नहीं खा रहा ये रोटी क्यों नहीं खा रहा है चावल क्यों नहीं खाता बट फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यहाँ के हिसाब से जो उसकी डाइट है वो एकदम एक्चुअली बिल्कुल एक्यूरेट है कि बिल्कुल ब्लैंड खाना ही खाता है और आगे जाके वो लाइफस्टाइल उसके लिए खुद इंडिविजुअली मेंटेन करने में ज़्यादा ईजी हुआ ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर तेरा क्या कहना है सही कह रहा हूँ कि गलत वो कह रही है मैं सही कह रहा हूँ क्या कह रही है We are going viral. 2.3 million views हो भी गए इसके कल रात को जब मैं सोई थी तो 800K views थे हमारे सारे YouTube सब्सक्राइबर्स Instagram पे भी होंगे ही ना ऑब्वियसली देख ही ली होगी सबने अगर नहीं हो तो अर्जुन हरजाई दिव्या यूजर नेम हमारे आप जाके चेक कर सकते हो रील अपने पेज पे डाल देते हैं यूट्यूब पे कहाँ Instagram पे जाएंगे वो लोग हमको फॉलो करो मुझे लग रहा है कि वो कर रहे होंगे हाँ करते हैं मोस्टली अरे यार मेरे को पता है इतनी वो रेस में चाय की कि कल भी हाँ है
मुझे यू तेरी। जब कल हम वहाँ गए, हाँ कल आर्यन के पास कीचू था, तो कीचू हाँ आर्यन ने सुला दिया था इसको भाई को थोड़ी मतलब 2-3 घंटे के बाद, फिल्म हमारी काफ़ी लंबी थी। वापस घर गए तो वहाँ चाय बनाई मैंने, एक मिनट रुकना, तो चाय बनाई तो अब वो पत्ती अलग थी, वहाँ पे बर्तन अलग था, साइज अलग था, तो मेरी मेजरमेंट ना मेरे बर्तनों के हिसाब से है, तो मैं कहीं भी और चाय बनाता हूँ ना फ्लॉप चाय बनती है एकदम बेकार। जैसे दिल्ली में भी मैंने 3-4 बार बनाई थी, तो कप का अंदाज़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो और यहाँ पे चाय पत्ती खत्म हो गई, कल फिर हम भूल गए लेके आना। अर्ल ग्रे में थोड़ी बनेंगे, फ्लेवर ही अजीब है उसका, तो मतलब वो ब्लैक टी की तरह ही पी जा सकती है। ईजियर इज कि मैं जाके ले आऊँ, जो कि तुम कर नहीं रहे, जो कि मन नहीं हो रहा ना जाने का मेरे को, तेरे को पता है ना मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ। नहीं ठंड में तो हर कोई घर पे ही रहना पसंद करता है। नहीं ठंड में नहीं, गर्मियों में भी मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ। किसके मौसम में? जस्ट द ऑपोजिट। यस मैं बता चुका हूँ कल के ब्लॉग में, मैं ब्लैंकेट जैसा कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। आप इतनी जल्दी नहीं आता, डिलीवरी ही है। व्हाट आई वांट टू ड्रॉ अ रेड हेलीकॉप्टर। I want to search for the toy helicopter. Can you make it a helicopter? लेके आता हूँ पत्ती सामने वाली शॉप से। सामने वाली शॉप मतलब एकदम सामने नहीं है, थोड़ा चल के जाना पड़ता है, लेकिन ठंड इतनी है कि वो एक एक स्टेप महसूस होता है आपको। दादू से बात कर रहे हैं, डरा है। एक मिनट, नहीं नहीं वो बच्चे थोड़े लग रहे, अबव 18 है। कीचू दादू को डरा दो, ये लो दादू को डरा दो। जा रहा हूँ मैं चाय पत्ती लेने, इतनी डेडिकेशन टूवर्ड्स टी आपने देखी नहीं होगी शायद कभी। डेडिकेशन कह लो या लत, ये भी छोड़ दूंगा मैं धीरे धीरे। एक यही चीज़ है, एक दो चीज़ें हैं मेरी लिमिटेशन जो मैं महसूस करता हूँ अभी भी, चाय उसमें से एक है। एक टाइम पे तो ऐसा था कि दिन की 6-7 चाय होती थी, ऑब्वियसली इतनी कप भर के नहीं, लेकिन फिर भी 6-7 टाइम ऐसा लगता था अगर आप कुछ भी अचीव करते हो, कुछ भी टास्क ख़त्म करते हो, लगता है आप चाय पी लेते हो। कोई काम शुरू करना है तो उससे पहले लगता चाय पी लेते हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोग इस इमोशन से रिलेट कर पा रहे होंगे। अबे ये क्या हो गया, बंद क्यों है शॉप ये? अरे दिव्या आई थी तो ये मैसेज उसने कल पढ़ा होगा, भूल गया मेरे को बताना। वेस्ट हो गया ट्रिप तो यार, बड़ा ही दुख हो रहा है इसमें। गूगल पे मैं चेक करके गया था कि ओपन है क्लोज्ड है, उसको ओपन दिखाना था, इस चक्कर में मैं, क्योंकि कल दिव्या जब गई थी लेना तो कल क्लोज थी शॉप, बट आई एम श्योर ये मैसेज कल नहीं होगा उसमें कि द शॉप री ओपन ऑन मंडे, अदरवाइज दिव्या मुझे बताती। आज दाज मैं वहाँ जा रहा हूँ ब्रंजिक। बारिश में चाय ना पी तो फिर क्या किया लाइफ में, इसलिए इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अब मैं जा रहा हूँ दूसरे किसी शॉप पे। होपफुली खुली होगी शॉप, पता नहीं ये वाली शॉप बंद क्यों है कल से। यार बहुत सारी चाय हैं, ये मैंने कल ट्राई की थी, पत्ती थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आज मैं ये लेके जाता हूँ, मुझे लग रहा है अच्छी होगी गिरनार की, बाकी चाय भी अच्छी लगती है मुझे गिरनार। गिरनार टी में वैसे ग्रीन टी पी चुका हूँ इनकी, बट ऐसे नॉर्मल चाय नहीं पी, बस ऐड किया लेकिन इसका नहीं, इसका नहीं ऐड किया था, वाक बकरी का। जब बॉम्बे में एक टाइम पे जब स्टूडियो में इतना मतलब काम धाम चलता रहता था तो वहाँ पे क्लाइंट्स आते रहते तो चाय बार बार बनानी पड़ती थी, तो हमने क्या किया था गिरनार टी के रेडीमेड टी के सैशे आते थे, वो बस गर्म पानी में डाले और बड़ी स्वाद चाय बनती। हाँ प्रीमिक्स, ये स्पेगेटी या नूडल्स है? एग नूडल्स। आज तो चमत्कार हो गया है, मेरी चाय में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब अब इस चाय की पत्ती में सिलेक्ट करके लाया हूँ जो कि ये भी पी रही है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आई वांट टू टेस्ट इट। यस चल चीयर्स।
हम पीना चाहे कि चुबेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न, जो हम दिल्ली की सर्दियों में खाते हैं मार्केट्स में, बटर और नींबू डाल के, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला। मैं चाट मसाला नहीं, मैं काली मिर्च के साथ पसंद करती हूँ, बट अर्जुना लाइक्स इट विद चाट मसाला। और कीचू को पसंद है सिर्फ नमक के साथ। यस 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 वेट कीचू, इट्स चाय। नो इट्स नॉट चाय। Mama, I don't need a bowl. Shake me. One. What have you got? Let's go to the tray. Wait, Mama. Ulta pehna rahe ho, seedha karo. Yeah. Wait, wait, Mama. Okay. It's a duck. He's so beautiful. Thank you. जितनी खुशी होती है तभी बोलता है ना, रैंडमली मतलब। आ गया एक और कॉम्प्लीमेंट देने वाला। व्हाट? आउट को दादू। वांट टू गो टू दादू? या। वेयर इज दादू? एट द फोन। ओह, यू वांट टू टॉक टू दादू? बैंगन भाजा के अंदर बनाने, मतलब इसको बनाने के लिए हमने बैंगन ले लिए है जिसको आधा आधा काट लिया है, और इसमें थोड़ा सा आटा, नमक, मिर्ची और ये चीनी हल्की सी डाल दिए, और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम मैरिनेट होने देंगे, और फिर इसको सरसों के तेल में तलेंगे। आज बन गई है पीली दाल, चावल और बैंगन भाजा। बैंगन मेरे को ऑफिस जाना है ना, फाइनली मैं उठ गया हूँ। मुझे लग रहा है अच्छा दिव्य दो घंटा सोया हूँ, तूने बोला 6 बजे हैं, 7:30 बजे। अच्छा तो सुकून मिल रहा है अभी उठ के, ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद। अजीब अजीब लेकिन मेरे को सपने आते हैं नींद में ना, अजीब टाइप के। मैं एक रिक्शा है, देखो रिक्शा, उसमें रिक्शा वाला चला रहा है और मैं और पापा रिक्शा पे ऐसे लेटे हुए हैं, उसको पकड़ के रिक्शा के आगे जो लपकड़ होती है लेटे हुए हैं क्योंकि ढलान पर चल रही है, और हमारी बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके, वियर्ड थिंग। और हमारी दिल्ली वाली घर की छत पे पार्टी हो रही है, और वहाँ पे बहुत बड़ा वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है जिसमें से पानी और ओवरफ्लो हो रहा है, पता नहीं क्या सपना था। जब इसने फिर तुमने लाइट जलाई है, पता नहीं कुछ आवाज़ आई शुरू हुई, तब मेरे को ऐसे जैसे लग रहा था कीचू सपने में आवाज़ दे रहा है, फिर मैं उठ गया। हाँ, मेरा एक्चुअली बचपन से यही सीन है कि मुझे हमेशा दोपहर को ज़्यादा बेहतर नींद आती है। ये पता कब किस टाइम से आदत डली है, जब मेरे रात रात भर सेशन होते थे म्यूज़िक के, तो मैं सुबह 6 बजे तक काम करता था। सुबह जब मैं स्कूल जा रही होती थी, हाँ, जब हमारी बात, हाँ, तो बात होती थी कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। व्हेन शी यूज्ड टू एक्चुअली लीव फॉर हर जॉब स्कूल वाली ब्रिटिश स्कूल में, तब मैं उसको बोलता था कि चल अब मैं सोने जा रहा हूँ। उस टाइम पे इतना वो कोई वर्क लाइफ बैलेंस था ही नहीं, नॉट वेरी गुड फॉर लाइफ, बट इतना अच्छा कोई रूटीन नहीं था वो। लेकिन यही होता है मेरे काम में, ऐसे ही होता है, बॉम्बे जब मैं जाता हूँ तो मैं इतना बिजी हो जाता हूँ। फिलहाल बन रही है दाल, वापस मुंबई की याद दिलाई जा रही है मुझे, बहुत ही शिद्दत के साथ इस समय दाल बन रही है। मैं बिल्कुल सिंपल वाली बना रही हूँ। हाँ, लेकिन बना तो शिद्दत से रही है ना तू, और ये देख के मेरे को और भी ज़्यादा खुशी हुई। बैगन भाजा उसको सिखा रहा हूँ, अगर तू खेल ही रहा है बुलेट और गन से तो ढंग से तो खेल, कम से कम कवर लेके तो उसको दिखाया चेयर से कवर ले ले बेटा फिर खेल। ओके, यूने उसको टारगेट दिया, मैंने कहा तूने इस पे मारना है, तो पूरे घर में कहीं भी मारता जा रहा है, हालांकि वो स्पंज की वो है बुलेट तो उससे कुछ हो नहीं रहा।
आ चुका है मेरा खाना। थैंक यू बेबी फॉर कुकिंग माय फेवरेट मील। बाल पीछे करने की इतनी अर्जेंट हो रही है ना, अभी अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाया है इसका, जो इनके बाल काटते हैं। ओके किचू, हेडफोन पहन लिया? ओके नाउ वी विल प्ले विद एवरीवन। ओके प्ले या द फर्स्ट दफा। ऑलराइट प्लीज। Do you want strawberry yogurt? Mama. देखियो हाथ जोड़ रहे हैं। I need strawberry yogurt. It's strawberry yogurt. Okay, Papa will eat all of it. Can I give it to Papa? No. Oh no. Papa is eating it. Kichu, Papa is finishing. Oh no. No. No no. क्या नाम है तुमको? धंधा था। ओके गुड नाइट एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं अब सोने के लिए। बाय बाय, इट्स स्लीप टाइम विद पापा।